मंगलम भगवान देव मंगलम गाति मोहनी मंगलम कुंडलकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम ज्ञानम सर्व धर्मा नमः समय साराय स्वामि मुक्त्या चकासते चिस्वाहाय भावाय सर्वभावान्त्यदर्शिने वन्दितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्योऽहं गते भक्ति बड़े पंडित जी के समीर शिखर जी पर जो प्रवचन हुए एक तो 69 कलश यही मुक्त्वा न पक्षपातम इसके ऊपर हुए और एक 220 गाथा प्रवचन साथ और कलश तो कम पढ़ते हैं वो व्यक्तियों को पढ़ते हैं ऐसे भाव निकलते थे कि जीव को अभी पढ़ना भी नहीं आता शास्त्र पढ़ता है तो शब्द पढ़ता है क्योंकि आराधक जीव होती नहीं है आराधना बनती नहीं ऐसा 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 करते रहते हैं और वो अपन उससे जुड़े नहीं पाते तो जीव दूर बना रहता है तो उन्होंने ये मुक्तवा वाले पक्षातिक्रांत कलश में ये कहा कि ना पक्ष से प्रवचन करना ना पक्ष से सुनना ना पक्ष का परिग्रह था कुंद कुंद देव के पास और ना तुम्हें पक्ष में रखना चाहे वस्तु में ही पक्ष नहीं वस्तु का स्वरूप तो प्राकृतिक तो निष्पक्ष होके बैठना चाहिए व्यक्ति का भी पक्ष नहीं आना चाहिए न्याय का भी पक्ष नहीं आना चाहिए अपनी शैली अपने शास्त्र कुछ ना कुछ जीव के मगज में पहले से बैठ जाते हैं फिर वो वस्तु एक तरफ रह जाता है तो उसे आराधक बन के बैठना चाहिए हमारा इलाज कराने आए तो वर्तमान में जिनवाणी ने इस नए से ये कहा तो हम अपना टैली करेंगे हमें ये फिट हो रहा अपन तो इसमें पढ़ते इसने ऐसे ऐसे कहा इसने ऐसे ऐसे कहा हम जाके जैसे ये ज्ञानी के भोग निर्जरा हित अज्ञानी के बंधन हित अब हम कहाँ खड़े ज्ञानी में क्या क्या तो मतलब जिनवाणी अपने लिए सुनना ये पंडित जी साहब का फिर उन्होंने बहुत भजन इस्तेमाल दिया कि जीव के परमार्थ की आराधना करने के लिए आया है तो इसको व्यवहार में जो हमारा व्यवहार है ये अवसर देता है इस आराधना के तो व्यवहार का ही त्याग नहीं है तो ये अवसर ही नहीं मिल रहा है इस जीव को आराधना के तो उन्होंने जैसे ये कहा कि व्यवहार पहले होता तो एकदम से लोगों को तकलीफ हो गई कि गुरुदेव ने तो निश्चय पता है और शास्त्रों में लिखा है भाव लिंग के बिना द्रव्य लिंग तो होता है और बड़े पंडित जी बार बार एक है बिना व्यवहार के निश्चय होता ही नहीं तो लोगों को नहीं तक मतलब पछता था ना तकलीफ होती थी अब उनको ये समझ में आना चाहिए अब जितनी समझ पाए कि व्यवहार का अर्थ अपन ये लगा लेते हैं कि कुछ हमें ये प्रतिज्ञाएं करवा रहे हैं नियम में डलवा रहे हैं अरे व्यवहार ये कहलाता है कि तुम उल्लास लाओ उमंग बनाओ प्रपंचों से ढीले पड़ो अपने घर के लिए मन तो बनाओ उल्लसित भाव से आओ तो यहाँ पर तुम्हारी निश्चय होगा तो ये व्यवहार साधन पड़ेगा अभी व्यवहार ही ढीला अब हमें वो व्यवहार न निश्चय ने नहीं बताना
हमें व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं बताना, हमें तो जीव के जीवन में जो व्यवहार है, जो नाचता हुआ हृदय होना चाहिए देव गुरु धर्म के प्रति, स्वरूप के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, चिंतन के प्रति, भूल लड़खड़ा रहा है। तो कुछ लोग अहमदाबाद के थे और कुछ बॉम्बे के, जाती थी हमसे पूछती थी पंडित साहब ऐसे कैसे कहते व्यवहार पहली। हमने उनसे ही चर्चा की, हमने कहा कि आप क्या करते हैं, दुकान है। हमने कहा कि दुकान है तो दुकान में कोई व्यक्ति ये कहे कि झाड़ू नहीं लगी आपकी बाहर, आपका बोर्ड नहीं लगा, आपकी दुकान समय पर नहीं खुलती, तो बताओ कौन सी बात है ये व्यवहार की खराब लगी। और ये कोई माल तो बिक नहीं जाए, इससे कोई निश्चय तो आ नहीं जाए, पर अपनी दुकान है और ये व्यवस्थित रहे तो उसके लिए तो हम सब सुन सकते हैं। पर आत्मा अपनी नहीं है तो व्यवहार पहले व्यवहार क्यों का, यानी तुझे सचमुच में भगवान नहीं बन, तुझे न सीखना है और कुछ वकालत करना। आराधक होता ना तो वो कहते अच्छा बताया आपने, हम यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, ये भी सुधार करें। निश्चय नहीं समझ में आता था ये भी हम पकड़े। वहां नहीं कहता है कि व्यवहार पहले की निश्चय पे, वहां तो ये कहता है कि जैसे बने वैसे हमें भगवान बनना, वहां ये नए पक्ष नहीं बनाना। पर आराधना का भाव तो है नहीं, पढ़ने का है तो पढ़ लेता हो चला। तो पंडित जी तो किसी से डरते नहीं और किसी के अधीन होके बोलते, और जिनेन्द्र देव की वाणी को यथावत समझाते। अभी जैसे गुरुदेव से अपन ने सुना, उन्होंने क्या गजब गजब की बातें करते, बड़भाग यानी क्या, बोले यहाँ पुण्य के उदय की बातें नहीं, बड़भाग तो यहाँ सिद्ध परमेष्ठ को भी कहा जा, मणिराज को भी कहते बड़भाग, हर जगह एक से अर्थ नहीं निकालना, तो बड़भाग यानी महाभाग सा। यहाँ पर यही लगाना कि बड़ा पुरुषार्थी जी धूतम, और सिद्ध भगवान महापुरुषार्थ की खान। तो कैसे करे पुरुषार्थ, अरे प्रभु तेरे अंदर लबालब पुरुषार्थ भरा। पहला उत्तर तो ये दिए निहाल भाई वाला कि तू तो पुरुषार्थ का पिंड है, और फिर कहा ऐसे पिंड को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं जगे, मन नहीं नाचे तो बहुत ज्यादा संसार में पड़ेगा, अभी चक्कर लगेगा। दो प्रकार की मोक्ष मार्ग, मुख्योपचार द्विवेदियो बड़ भाग रत्नात्रय धरे, मार्ग तो दो होते नहीं। तो इस शब्द ही में लिखा है एक मुख्य वो मार्ग है और एक उपचार वो साथ साथ। अब जो साथ साथ है वो मार्ग नहीं है, पर मार्ग पर चलने वाले की ऐसा व्यवहार होता है, तो भगवान तो सही सही बताएंगे कि नहीं ये निश्चय मोक्ष मार्ग और इसका साथ ही ये व्यवहार। हम क्या कर रहे थे कि व्यवहार से निश्चय प्राप्त करने में लगे, और आचार्य क्या समझा रहे थे कि निश्चय के लिए व्यवहार होता है, और बड़े पंडित जी क्या समझा रहे हैं कि तेरे व्यवहार ही का ठिकाना नहीं है तो निश्चय कैसे, कुछ समझ में नहीं आता। जी गलत है, जी गलत देखते रहो जिंदगी चली जाएगी, तुम तो अपना इलाज कराओ ना, इनमें बड़ों में भेद नहीं डालना कि जी सही है कि गलत, तुम कहां खड़े हो जी देखो, तुम्हें किस जाति का विकल्प तुम्हें आत्मा नहीं देखने दे रहा, साथ में कहां तुम खड़े होके अपने विराधक भावों के पन पाने में लगे। उससे तो अपन मित्रता नहीं करते, पुस्तक ही ज्ञान कर ले, तो वो पुस्तक ही तक सीमित रहता है, घर में जो तो वही विकृति वही संसार वही दुख ज्यो का तो रहता है भूखा। असर ही नहीं पड़ रहा, बड़े बड़े घन पटके जा। अभी गुरुदेव ने करते निकाला कि जब लो न रूप जरा गए तब लो झटत ही नहीं जीतता। बोली दौलत राम जी कह रहे जल्दी करो भाई, बुढ़ापा आ जाएगा रूप खेल लेगा तो फिर कैसे करो, है ना। तो बोले यहाँ दौलत राम जी ये कह रहे हैं परंतु तीव्र पुरुषार्थी हो। बोले कमजोर पुरुषार्थी के तो ऐसे ही कहना पड़े कि जल्दी करो भाई, तुम्हारी शिथिलता परिणामों में आ रही है, तुम्हारी शरीर साथ नहीं दे रहा, तुम्हारा मन नहीं लगता जल्दी, तो तुम अभी जल्दी करो। परंतु बोले आत्मानुभव के लिए न वृद्ध दशा बाधक है न नरक बाधक है। अभी कह रहे एक मिनट नहीं लगता, वो परद्रव्य से वेद विज्ञान करा के स्वभाव के पास लिया। देखो गुरुदेव दुनिया जीव आया था, इस काल में गुरुदेव जैसे गुरुदेव थे,
परंतु यदि कोई हमें गुरुदेव के पास तक ले जा रहा है तो वो शत्रु नहीं लगना चाहिए, ये लगना चाहिए कि ये भी तो हमारे हित की कहता है। बहुत मंगल मार्ग शिखर जी में जाओ तो वैसी विशुद्धि क्षेत्र पवित्र है, अनंतों सिद्ध भगवान है, सिर पर बैठे अच्छे अच्छे साधर्मियों को देख के हृदय पुलकित रहता है, नाचता है। और इस बार की उपलब्धि तो ये हुई कि जो सेवा करने वाले आए थे दिल्ली वाले और क्या ना कलकत्ता वाले, दिल्ली वाले और इंदौर वाले, तीन जगह के लोगों ने काम संभाला। कलकत्ता वालों ने सारा खर्च अपने सिर पर लिया, एक पैसा भी संस्था से खर्च नहीं करा, पूरा खर्च हम देंगे। तो कलकत्ता वालों ने निर्भर कर दिया। और फिर दिल्ली वाले जो 120 भैंसों गायों की डेयरी बना रखी सो जेनी ने 4 करोड़ खर्च करके, तो उससे वो घी दूध निकाल के सब मुमुक्षु मंडलों को बांटता है, गरम करता है दूध और घी बनाता है, और मंदिर में तेल घी और दूध ये तीन चीज तो मंदिर के दरवाजे पर रखता है, जिसको जो चाहिए ले जा, अवक्ष नहीं खाओ। ऐसा विश्वास नगर के मुमुक्षु मंडल के लोग ऐसा सहयोग कर रहे, भी लोग लाए थे घी और व्यवस्थाएं उन्होंने की और खड़े हो गए, देख रहे कि भोजन परोसा, प्रेम से दिया, सबका आदर करा है, अवक्ष नहीं खा के जा। तो ये दिल्ली वालों ने परोसा भी है, सामग्री भी वह सिलाए, और बनाने का काम इंदौर के एक रीतेश परिवार आया था, वो बहुत सहृदय जीव था, बहुत भीगा हृदय, तो उसने ये अपने पंदे की बहुत अच्छे से पानी छनना, समय पर भोजन बनना, ये तीन संस्थाओं ने इस कार्य को संभाला। और पंडित जी को लाने में वहां के एक मुन्ना भाई करते हैं, और वो ऐसे कहते 2007 में लाया था कि 2005 में वो पंडित जी, और पंडित जी के पीछे पड़े ही रहता है, फिर फोन करता है पंडित जी साहब अब मन हो रहा है तो आ जाओ, तो और ऐसा रहता है मुन्ना नाम है तो मुन्ना ही जैसा लगा रहता है, उसकी बात तो कोई ना कोई बुरी मानता है ना क्या। हमने कहा यार आपने तो गजब का पुण्य बांधा, आप तो ऐसा लगता है संभूषण जाओगे, तो हमारे सामने क्या करता है अपने परिवार के लोग खड़े थे, देखो पंडित जी कितनी अच्छी बात है, जैसा पकड़ लिया नाचने लगा, बिल्कुल ही भूला जीव है अरबपति है और ऐसा है। इस तरह से बहुत अच्छे से शिविर हुआ, 700-800 लोगों, बहुत अच्छे से लोगों ने लाभ लिया। क्या है वहाँ विशुद्धि भी रहती है ना, पंडित जी के हृदय भी खुलते, और बहुत से लोग जा ही नहीं पाते। कलकत्ता के बहुत से लोगों ने आज पहली बार देखा पंडित साहब कि कोई आराधक जीव है, और ऐसा इस तरह से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। पंडित जी ने मतलब ये कुछ बिंदु हम बता रहे हैं, जैसे उन्होंने अभी हमने बताया नए पक्ष सुनना भी नहीं, नए का पक्ष बना के सुनाना भी, पर पक्ष बना के जीवन भी नहीं। आप तो हल्के रहो ना, हम कोई पक्ष वाले थोड़ी, हम तो आत्मा है, हमारा जैसे कल्याण हो हम उस तरह का लाभ लें। और फिर बताया उन्होंने कि दो नए हैं तो दोनों नए से वस्तु स्वरूप समझना, समझने में गड़बड़ी होगी तो आराधना बिल्कुल नहीं होगी, जनवाणी गारंटी देती, क्योंकि तुम्हारी चित्त में अभी अज्ञान है, कचास है, पक्ष बन गए, वो वस्तु स्वरूप ही नहीं समझने देती। जैसे अनन्य अबाध्य का बोला है अनन्य अबाध्य, तो बताओ एक नए से जीव बना है, एक नए से जीव संसार में 5 प्रकार के शरीर बने, और एक ने कहता है कि शरीर नहीं है, बंधा भी नहीं, जब बताओ इससे अपन ने क्या शिक्षा। एक नए ने कहा कि शरीर नहीं है और एक नए ने कहा कि शरीर है, बताओ प्रशांत क्या शिक्षा। सब सोचो अपने मन, फिर हम बताते पंडित जी क्या बता। हाँ संजय है शरीर हूँ, हाँ
और सोचना ये इस वाणी में सर्वज्ञ रूप वितराग संतों द्वारा अनुभवित बातें रहती है और वन जंगलों में कही गई है, लिखी गई, और हर बात बहुत वजनदार है। जैसे उन्होंने कहा एक नैसी शरीर है ना, तो अब पांच प्रकार की शरीर है, चार गतियां देव मनुष्य त्रियंचना। अच्छा, अब ये शरीर है, इसने कह दिया, अपन ने सुन लिया, तो अपने ऊपर असर ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ये शरीर है और आत्मा कोई शरीर वाला होता नहीं है, शरीर रहित अशरीरी, तो तुम करते क्या इन बातों को सुनकर। वो कहते शरीर है तो तुम्हारा शरीर के प्रति एकत्व तो क्या करा रहा है ये, इसके लिए कह रहे व्यवहार से शरीर है तेरा, ये मनुष्य पर्याय व्यवहार से है और तुझे इसका एकत्व तो बन गया है, छोड़ना है कि नहीं। इसके दृष्टि करने से, अपनत्व करने से ऐसे भाव खड़े होते हैं 84 लाख। अपन एक न से ऐसा कह के निपट गए, दूसरे न से ऐसा कह के अपने हाथ में कुछ नहीं, कुछ हाथ में नहीं है, नए नए कह के ये पुस्तक ही पढ़ते रहते। तो व्यवहार ने कहा कि तेरी शरीर है, चार गतियां हैं, ऐसे शरीर मिलते हैं, तो उसका अर्थ ये कि तेरे व्यवहार में जो संयोग बना है उदयाधीन, यदि तेरी इसमें दृष्टि है तो नए भी नहीं है तेरे पास, क्योंकि तो ज्ञानी के होते हैं नए के, जो कहता व्यवहार से शरीर। तुझे तो एकांत पक्ष है कि मैं मनुष्य हूं राजन, कुछ हाथ में नहीं आता। तो अब वो जो व्यवहार मैंने कहा कि शरीर है, तो ये चार गति में शरीरों से जीव मिलेंगे, और यहां जीव देख लेना शरीर के साथ वहां जीव राजा विराजमान है। तो व्यवहार क्यों खड़ा किया था कि शरीर के साथ ही रहता है ना, वो कोई अलग नहीं मिलेगा, परंतु जो वही ज्ञानी उस शरीर से भिन्न अपने को देख, और अज्ञानी उसी शरीर में एक तो खड़ा था, तो एक के संसार चल रहा वो शरीर है और एक के भगवान बनने का मार्ग चल रहा। तो भैया समझ में आता है शरीर अपना नहीं है, तो अभी भगवान कहते व्यवहार नैसे जीव के शरीर है, क्या कहा शरीर जीव का नहीं होता है, फिर भी व्यवहार नय कहता है व्यवहार नैसे जीव का शरीर है। इसका अर्थ क्या है कमल कुमार के, शरीर देख करके तुम वहां शरीर को आत्मा नहीं मानना, क्योंकि व्यवहार से कहा, और जहां शरीर है वहीं आत्मा है, आत्मा कहीं अलग नहीं मिलेगा, और जहां शरीर है उससे एकत्व है, तो तुम समझ लेना बंद हो रहा है, तुम चाहे व्यवहार से कहो चाहे नहीं कहो, बंद तो उसकी भ्रांति से एकत्व से चल रहा, वो तो भूत पूर्ण। कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर कितने महापुरुष हो, सबके शरीर था। कुंद कुंदेव अमृत चंद्राचार्य तोरणमल जी स्वामी जी माता जी ये सब मिथ्यात लेके आए, क्योंकि पंचम काल में कोई सम्यक दर्शन लेके नहीं आते, और सब सम्यक दर्शन लेके शरीर लेके आए थे, यानी इस भाव में शरीर मिला और शरीर की बुद्धि छोड़ के विषय सुख की बुद्धि लेके आए थे और विषय में सुख बुद्धि छोड़ के कर्ता बुद्धि थी उनको अभी अपने जैसे, और कर्ता बुद्धि को छोड़ करके निकल गया। क्या कह रहा है व्यवहार, क्या कह रहा है वो कह रहे कि ये साथ में शरीर रहना ये मिथ्यात नहीं है, ये तो संयोग है, और इसका ज्ञान एक न कराएगा कि जगत में जीव यहां मिलता है, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस शरीर को शरीर ही जानो। पंडित जी ऐसा समझाते ये पेज है, ऐसा पेज खोला, बोले एक पेज एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये, ऐसा द्रव्य में वस्तु में एक तरफ द्रव्य और एक तरफ पर्याय, ऐसा मतलब समझाने के लिए पर्याय। बोले जो व्यवहार है वो व्यवहार ही है, वो निश्चय नहीं बन जाए,
और जो निश्चय है वो निश्चय ही है, व्यवहार नहीं बन जाए, व्यवहार से निश्चय नहीं हो जाएगा, निश्चय से व्यवहार नहीं हो जाएगा, दोनों के स्वरूप अलग रेत एक साथ, जहां ये है वहां ये। फिर एक उदाहरण ऐसा दिया था पंडित साहब ने कि मुंह खोली बिना खा नहीं सकते, ऐसा उदाहरण दिया था, तो खोल के खाओ तो बोले खोल के भी नहीं खा सकते। सरल उदाहरण निकलते थे, मुंह बंद रखोगे तो लड्डू नहीं खा पाओ, खुला रखोगे तो लड्डू नहीं खा पाओगे, खोलोगे भी और अपने प्रयोजन साधोगे। बोली इसमें तो समझ में सबको आ जाता है, ऐसे ही दोनों नयों से वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझोगे, फिर व्यवहार को गौण करोगे, परमार्थ को साधोगे तो मुक्ति का मार्ग मिल जाए। मार्ग कठिन नहीं है, जीव बेईमानी कर इन्होंने बेईमान की अर्थ बताए, सुना बे यानी दो और ईमान यानी जिसके दो जगह ईमान है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक, व्यवहार भी मुख्य मार्ग है और निश्चय, तो जी समझे में नहीं आया, मार्ग एक ही है। अभी गुरुदेव ने कितना समझा, अरे रे जीव चला जाएगा कब अपना गया एक मुख होगा, कब आश्रय लेगा, यही आश्रय और अवलंबन यही मोक्ष मार्ग है, इसमें पुरुषार्थ। तो पर तुझे देवसास गुरु मिली पालना मार्ग व्यवहार से सार्थक हो जाए, नहीं तो देवसास गुरु मिली जरा सा व्यवहार हुआ और वो छूट जाए। जगत को राजी करने अनंत भक्त हुए, क्यों कहा था ये कि ये तुमने पढ़ लिया और जगत को प्रसन्न करने लगे, अब तुम बोले तुम अपने से दूर होते जा रहे, तो जगत को राजी करने में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, तुम्हारा पुण्य यश कीर्ति तुम्हारे आत्मा से दूर कर, समझिए ऐसे बैठे प्रवचनकार नहीं है भैया, हमें प्रवचन का नहीं लगता, हम आत्मार्थी। जगत को राजी करने तो अनंत भार जीवन को, रोग क्या कह रहा है वैसी दवाई दे उसी डॉक्टर कहते, मरीज क्या चाहता है ऐसी दवाई नहीं, ऐसे लोग क्या पसंद करते वैसे प्रवचन नहीं करना, यहाँ के लोगों को कौन सा रोग है वो कैसे दूर हो ऐसे प्रवचन, कितना मनोविज्ञान काम कर। ज्ञानचंद जी बिस्सा पहले समझा देते, एक लड़का धनवर खेलता है सो मम्मी डांटती है, और एक लड़का धनवर पढ़ता है सो मम्मी डांट, पढ़ने वाले से कहती है खेलो और खेलने वाले से कहती है मम्मी पढ़ो, तो दो जने मिले खेले मम्मी जानी दुश्मन दिखती है, हम खेलते हैं सो खेलने नहीं देती, तुम तो पढ़ते हो सो पढ़ने, बस वो भैया ने समझाया खेलते ही रहोगे तो पहलवान बन जाओगे सुखी नहीं हो, और पढ़ते ही रहे तो ऐसी दुबले रह जाओगे कि उस भोगों को भोग नहीं पाओ, तो बैलेंस बनाओ, ऐसा बैलेंस का मार्ग है। हाँ एक तो घर का इतना अच्छा उदाहरण दिया कि हाँ जीव को घर जाना, अब यहां से बैठा गाड़ी पे, गाड़ी से बैठा ऑटो पे, ऑटो से ऐसा घर आना, अब कहाँ जाना, घर आने के बाद अब कहाँ जाना, ऐसे इस नए ने बताया वर्तमान, एक नए ने बताया वास्तविक सब, अब दोनों स्वरूप को समझ करके अब उस जीव को निश्चय नैनी शुद्ध नैनी बताया कि गाय ई है, तो शुद्ध नय का विकल्प तो और पक्ष तो छूट जाता है, पर शुद्ध नय का विषय नहीं छूटता, क्यों नहीं छूटता, वो तो अपना घर है, जहाँ घर में आए फिर और कहाँ जाना। एक बात ऐसी बोली कि विदाई कोई तुम्हें दे तो छोड़ के नहीं आते आप, परंतु भगवान तुम्हें विदाई देती हो तुम छोड़ के चले जाते,
इस समय सार बोली भेंट है, प्रावृत नाम है भेंट, ये कुंद कुंद देव के द्वारा सबको विदाई दी जाए और इसे छोड़ के नहीं जाना, और सब छोड़ के पाकिस्तान से लोग भगवान छोड़ के नहीं आए, धन छोड़ के आए, वैभव मेल मटाई सब छोड़ दी, परंतु हमारे भगवान और जिस प्लेन पे भगवान बैठ के आए थे, और पहले तो वो ड्राइवर कहता था इतना वजन हो गया चलेगी कैसे, और जब उसने गाड़ी चलाई नैन तो कहता था आज तक इतनी हल्की गाड़ी कभी नहीं चलाई, भगवान का भी कोई वजन होता वेटलेस। एक बात बहुत अच्छी गुरुदेव पंडित जी ने कही कि एकत्व विभक्त प्रतिमा, एकत्व विभक्त सिद्ध भगवान, एकत्व विभक्त मोक्ष मार, एकत्व विभक्त मुनिराज, एकत्व विभक्त आत्मा। अब अपन ने कैसा पढ़ा था, एकत्व विभक्त आत्मा है, बहुत सुंदर है, और अपन आगे पढ़े अब लगाते हैं तब ऐसा लगता है कितना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा एकत्व विभक्त वस्तु स्वरूप सुंदर, एकत्व ही सत्य है, सौंदर्य है एकत्व, तो ऐसा लगाया अपन ने, तो उतना लगाया उतना अच्छा लगा होगा। अब वो कहते भगवान बताओ कब भगवान है, जब इनमें कोई भी आवरण नहीं, श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, निर्लीप ऐसे अपने में मगन मिलती, अपने यहाँ की मुद्राएं मूर्ति और बहुत सीख देती, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परिपूर्ण तृप्त अंतर्मुखी है, आनंद भोगती मुद्रा, तो एकत्व विभक्त मुद्रा है। अब सिद्ध भगवान कैसे, सिद्ध भगवान भी एकत्व विभक्त, अपने में मगन है पर से नहीं आ रहे, और मार कैसा, सेवी किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं, अपन भी व्यवहार मार्ग में ऐसा लगता है इसमें तो नियम है प्रतिज्ञा है, अरे तुम्हें उल्टा अर्थ हो गया, इसमें भी परावलंबन छुड़ाया है, पाप छोड़े, विषयों से हटाया, व्यवहार में पराधीनता नहीं है, पराधीनता घट जाती उसको व्यवहार। लोग ऐसे कहते आप कितने नियम से बंधे हो, चाय भी नहीं पीते, काफी भी नहीं पीते, रात में भी नहीं खाते, कितने बंधे हो, तो ये बंधा है ये व्यक्ति, ये स्वतंत्र है, तो जो बंधे हैं वो छूटे हुए व्यक्ति को बंधा हुआ कहते, तो शरीर ऐसी मान्यता लेके आए थे, अब भगवान का ये अशरीरी वाले का ग्रंथ सुन रहे हो, तो शरीर मेरा नहीं है ये मान्यता लेके विदाई में जाना, कुंद कुंद बहुत भाव हो गए शरीर को अपना मानते हो, अब ये अब नहीं चलना चाहिए, इसके पीछे कितने भाव, जीव को अपना आत्मा अपना नहीं लगा तो जो शरीर मिला उसी में अपना बना जाता है, और फिर वो उस देव के एकत्व में सारे पाप करते, अच्छा कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए अच्छा बंगला चाहिए, क्या खाएगा, तो उसके लिए चाहे कोई भी पाप हो जाए, शादी जरा सा काम का कितना आडंबर करके शादी कर, हर चीज में देह में अपना तो कर लिया, पापों का सिलसिला जारी, तो ये शरीर है ये इसकी मान्यता लेके तो आए थे कि ये मैं हूं, अब इस मान्यता को विसर्जित करके जान, स्वयं का विवेक नहीं है तो शास्त्र क्या कर, किसी के अंधे के सामने कोई नृत्य करे तो उसे क्या लाभ, ऐसे कोई बहरे के सामने अच्छा गीत गाए तो उसे क्या फायदा, इसी तरह से अनुत्साही व्यक्ति, अरुचि वाला व्यक्ति, टाइम पास वाला व्यक्ति, जिसके उल्लास नहीं आ रहा, उसे ये कुंद कुंद देव की कितनी गाथाएं सुनाती रहोगे कुछ असर नहीं पड़े, तो ये भी निकल जाएगी, अभी 14 निकली 15 निकल जाएगी, वो ज्यों का त्यों रहेगा, कौन व्यक्ति संगी जी, अनुत्साही है यानी उल्लास नहीं आता, काहे का, जो अभी गुरुदेव ने सिखाया, अरे ऐसा उछलता है पुरुषार्थी व्यक्ति भगवान ना, अपने लिए चेन मतलब इतना बड़ा लाभ मिलना है, और ये जीव को ऐसा उछल हृदय ना उछले तो फिर कहाँ उछले, तो स्वयं का विवेक चाहिए, शास्त्र के अकेले भरोसे नहीं रहना कि शास्त्र क्या कहे, रोजे की गाथा निकलती है,
शुद्ध न्याय का पक्षपाती भी, शुद्ध न्याय का पक्ष भी पक्षपाती है, पक्षातीत नहीं हो सकता। जो कहता कि आत्मा तो ज्ञाय है और हमें कुछ नहीं सुनना, ऐसे व्यक्ति को भी अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि वो पक्ष उसे आत्मा नहीं दी। दूसरी बात बताई कि व्यवहार पालेंगे तो हम व्यवहार आवासी नहीं हो जाएंगे, निश्चय पालेंगे तो हम निश्चय आवासी नहीं हो जाएंगे, हम दोनों पालेंगे तो भी आवासी नहीं हो जाएंगे, तो हमें कोई से मतलब नहीं, तो शून्यवादी हो जाओ। ऐसे चार लोग बताए असल में अर्थ समझ में नहीं आता, उसे ऐसा लगता है कि व्यवहार पालने से व्यवहारावास है और जबकि व्यवहारावास क्या कहलाता है आपको, व्यवहार में मार्ग मानता संतोष करता है, ये धर्म है। व्यवहार पालने से तो अव्यवहारिकता से बचते, व्यवहार तो अवसर है निश्चय का, और इसने क्या माना कि हम व्यवहार करेंगे तो निश्चय मिलेगा, तो व्यवहार में संतुष्ट है और व्यवहार को मार्ग मान लिया व्यवहारवासी। तो व्यवहार पाल पूजा पाठ करने आती ये व्यवहारवासी नहीं कहलाते, ये तो जिनेन्द्र भक्त कहलाते हैं। कैसा मार्ग है, कैसा श्रेणी, वो कह रहे कि समन्तवत देव कि इस काल में जैन शासन की प्रभावना यदि नहीं हुई है तो नयो का मरम न जानने वाली वक्ताओं की कार ऐसा लगाओ, विषय लंपटी जीव तो होते ही, वक्र परिणामी तो होते ही, धर्म तो दुर्लभ है, परंतु बोले यदि कदाचित मिले तो कोई लूट लेते हैं क्रियाएं करा के, कोई लूट लेते हैं निश्चय की अकेली बात बता, ऐसा सामंजस्य बटाल के जैसी 14 गाथा की टीका लिखी, कुंदकुंद देव ने लिखा था आवाज 10 वर्ष, अमृतचंद देव ने कहा इनको बताओ दोनों, इनको वस्तु स्वरूप समझाओ, ऐसे में नहीं बनेगा काम, क्योंकि इन्हें जब तक ये यहाँ ऐसे हो तुम और ऐसे स्वभाव को देखना है तो इस पर बजने नहीं आ रहा है दूर करने का कि हम इससे बच जाएं, और ये प्रकट करने का उल्लास नहीं आ रहा, और सुनाते रहो इसे अपना क्या है धूरा है। वही पंडित जी साहब कहते थे अरे रे तेरा पुण्य जल रहा है तुझे पता नहीं चल, अभी खाली हाथ होके चला जाएगा क्योंकि अभिप्राय में वासना विषय की बहुत गहरी बैठी है तो करेगा क्या। स्वामी जी तो सुनाते थे कि हमारा भागीदार दुकान का और मर के ढोर होगा, हमने ऐसे कह दिया, तो स्वामी जी से एक आदमी ने पूछा कि आपको ये कैसे मालूम कि ढोर होगा, आप अवधि ज्ञान दिए हो क्या, कल ही हम सुन रहे थे उनका ट्रेन तो अवधि ज्ञान है क्या, तो बोले अवधि ज्ञान नहीं है पूर्व का संस्कार ज्ञान, हम तो वहां से आए थे जहाँ भगवान, तो वहां में बताया जाता था कि ऐसी भाव वाले जीव ऐसी गति में चले जाते, रात दिन इस भोगों में विषयों में लगा रहेगा तो बताओ इसका फल आएगा कि निरंतर इसका रस आना चाहिए, राग का ज्ञान का स्वरूप समझने का पक्षातिक्रांत होने में भीड़ लगती है। एक ने कहता है कि बंधा है स्वामी जी, उन्होंने कई कलश पढ़े हैं एकस्य बद्धो न तथा परस्य, तो ऐसा बोले कि एक ने कहा बंधा, एक ने कहा बंधा नहीं है, एक ने कहा मोह है, एक ने कहा मोह नहीं, एक ने कहा राग है, एक ने कहा राग नहीं, तो ये कभी उल्ला इधर जाओ कुआं उधर जाओ खाई, तो हम कहाँ जाए तो बड़े पंडित जी बोले कि यहाँ कुआं है और यहाँ खाई है, यहाँ तो नहीं है कुछ यहाँ का तो नाम नहीं लेता जी कोई आत्मा नाम की वस्तु है और वो भगवंतों को मिली है और उसमें अनंत आनंद है, ये मुनिराजों के चेहरे देखो, आत्मज्ञानियों के पास बैठो तो आपको लगेगा कि आत्मा बहुत रमणीय तत्व है, आनंद की मूर्ति है, तब तो आपका रस टूटेगा, पुस्तक अकेले से नहीं टूटेगा, वो ज्ञानियों के पास जाओगे तो मान गलता झुकता है और फिर विशुद्धि में आत्मा मुख होती,
अभी तो ये जीव अपने दोष भी बताना नहीं सीखा। पंडित जी ऐसा क्रम से सिखाते, प्रायश्चित नहीं होगी तो विनय नहीं होगा, विनय नहीं होगी तो भैया व्रत नहीं होगा, भैया व्रत नहीं होगी तो स्वाध्याय नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, और ध्यान नहीं होगा तो भगवान नहीं होगा। प्रायश्चित यानी अपनी दोष बताने के लिए मन तो बनाओ कि ये हो क्या रहा वहां से, का दोष नहीं है ना दोष, आप तो निर्दोष हो, आपको थोड़ी कह रहा, जिसे लगे कि ये दोष है उससे कह रहे है, तुमसे तो कह ही नहीं रहे। नहीं समझ नहीं आया, प्रायश्चित के बाद क्रम से लेते थे, जैसे ब्रह्मचर्य ली थी, उत्तम समाधि भाव से सहित व्यक्ति के ब्रह्मचर्य सूत्र, कठोर हृदय हो, मान हो, मायाचारी हो, ऐसे तो ब्रह्मचारी कहां से अच्छा लगे। ऐसे यहां नीति थी कि जीव के प्रायश्चित यानी उसे अपने अपराधों से हटना चाहता है, इनका फल अब नहीं भोगना, भगवान हमें संसार में नहीं लेना, तो वो हल्का होना चाहता, तो वो उगल देता, तो वो आचार्यों की आठ वेद लिखे रत्नकंठ शौक आचार्य, एक मुनि आचार्य ऐसी होती है अपरिश्रावी, तो शिष्य के दोष को उगलवा लेते हैं। शेर का उदाहरण दिया उस, कि शेर हिरण का जो खाया पिया है वो भी उगल देता है, ऐसा शेर का तेज होता है। ऐसे ही कोई ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके सामने आप दोष नहीं बताओ तो कल्याण ही होगा, और दोष बताने में वो निकटता चाहिए विशुद्धि लाने के, शुद्ध न्याय का विकल्प तो छूट जाता है, विषय नहीं छूट, फिर कहने लगे कि शुद्ध ने देव सास गुरु शुद्ध ने आदि कब तक लगे गई, तो इसका उत्तर दिया उन्होंने कि शुद्ध ने का जैसे विकल्प छूट जाता है, कब, जब शुद्ध ने मिलता है स्वभाव में, बोले ऐसी वैद्य के पास जाना ना पड़े ऐसी दवाई हो, वो वैद्य के पास जाना सार्थक, देव के पास जाना सार्थक कब होगा, कि अब हमें देव के पास न जाना पड़े ऐसे देव दर्शन, कब तक सुनते रहेंगे, बहुत अच्छा लगता है सुनना ना पड़े ऐसा मानस बना के अंतर्मुख होने के लिए सुन, आत्मा को पहचानोगे तो ये सब सुनते रहने का अन्य व्यवहार आदि सब छूट जाए, छोड़ना नहीं पड़ेगा। बताया उन्होंने कि मेरी विशुद्धि के लिए अमृतचंद देव ने मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र, मेरी परम विशुद्धि की प्राप्ति हुई, कौन कहते हैं, अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं मेरी परम विशुद्धि, परम विशुद्धि यानी परम पवित्रता हो, उस विशुद्धि उसको भी कहते तीसरे कलश, तो ये कह रहे हैं कि बुक अमृतचंद देव टीका का विशुद्धिचार्य, और ये व्यक्ति कर रहा है जानकारी बढ़ा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जानकारी की ढेर भरे लगा लो पर तुम्हें विशुद्धि पाने का उपाय नहीं सूझ रहा, ये तो कह रहे हमारा मन 28 मूल गुणों आदि में जाता है, इसमें हमें अशुद्धि दिखती, तो और परम विशुद्धि हो, और अपन को क्या हो गया कि ये आप समझना कि जानकारी बढ़ाने से मार नहीं, देव को अपना मान के बैठा है, कैसी है तबीयत, तो ऐसा पूछा कि भाई देव भिन्न और आत्मा भिन्न, ऐसा उपदेश ऐसे ही देती, बहुत अच्छा, आत्मा भिन्न है मैं भिन्न हूँ, खूब अच्छा लगता है कहने सुनने। अब पूछा उससे कि आपके नींद सी आ रही, चेहरा उतरा है, सुस्ती लग रही है आपको, क्या हो, तो कहता है कि रात में अच्छे से नींद नहीं आई, ट्रेन से आया, बोले कि एक सेकंड आत्मा में खड़ा नहीं रहता, और फिर देह की बातें करने लगा, तो ऐसे देह के पक्ष कैसे छूटे और देहादि दशा अपन को कैसे प्रकट हो, ऐसा मन तो बना है,
वो ज्ञानी जनों से ये परमाणु सीखे सुने और यहाँ जाने पर तो ऐसा लगा कि इनके पास जाए। जाने में जो कसाई गलती है वो ऐसा सीढ़ियां सुनने से नहीं करती। सीढ़ी में तो कोई है नहीं ना, अभी पंडित साहब हो है? और फिर प्रवचन करो आप पंडित साहब के सामने, समझ जी करके बताओ, राकेश जी करके बताए, 2 मिनट नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल पाते बताओ? क्योंकि वो गलतियां हैं जो डर डराती है। वो खड़ा नहीं हुआ ना अभी उतना जहां पंडित जी चाहते, तो फिर वो बोलने नहीं देते। और दूसरा ये भी है कि विनय होना चाहिए, नहीं है गलती तो विनय जैसी तैसी बने, मतलब ये सीख लेके आए वहां से कि सिद्ध क्षेत्र तो महान पवित्र क्षेत्र है ही, बहुत पवित्र है। यानी अनंत अनंत तीर्थंकर जहां से निर्वाण पधारे, तीर्थंकर पूरी 2.5 दीप से तो मुनि मोक्ष जाते हैं, पर तीर्थंकरों की मुक्ति सला यही जगह, तीर्थंकरों का यहीं से निर्माण हमेशा का अनादि से होता है। और पूरी धरती से यहां से भी जीव मोक्ष गए हैं, क्योंकि ऊपर 2.5 दीप के बराबर 45 लाख योजन की सिद्धशाला है और पूरी सिद्धों से भरी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रदेश प्रदेश से जीव सिद्ध बना, तो इस जगह से भी बना, पर अपना यहाँ भाव ही नहीं आता। ऐसा लगते नहीं कि ये कोई टोंग है और शिखर जी है, वो तो वही भाव क्यों, इसलिए क्षेत्रों में जाना होता है, वंदना का भाव आता है, आना चाहिए। परंतु सच बात यह है कि बोलते तीर्थ के पास जाना, जैसे भगवान मौन है तो तुम जाओ ऐसे लौट आओ, कुछ समझ में नहीं आ, परंतु एक व्यक्ति बोलता व्यक्ति बैठा हो, देशना खिड़ती है ना, इसको कहते समोसन, भगवान की दिव्य देशना खिरना चाहिए। तो अब भगवान जो बोल नहीं रहे हैं वो यहाँ भगवान की वाणी बोल, अब ये तुम वाणी न सुन तो भगवान क्या कह रहे हैं वो नहीं सीख पाओ। डॉक्टर साहब भगवान क्या कह रहे हैं है? हाँ, मतलब इतनी 1000 शिक्षाएं बताई पंडित जी साहब, ये देखो भीतर क्यों दिए, ये इनको कुछ विकल्प क्यों नहीं, इन्हें कर्तव्य क्यों नहीं, इनने स्वावलंबन ले लिया, इनकी परावलंबन कहाँ चले, इनको इच्छा क्यों नहीं होती, ये क्यों नहीं देखते यहाँ, बोली इनको पढ़ो तो इनके निकटवर्ती तो बनो, ये व्यवहार है तुम्हें फालतू सा कर लगता है, तुम्हारी विषय में ध्वंदी में तुम कैसे बैठे रहते हो, वो वहां नहीं कहते हमारे व्यवहार, यहाँ तो आप अपनी आंखें गड़ाओ इन बड़े बड़े परमेश्वर ज्ञानी जनों के पास बैठो, जनवाणी को खूब पढ़ो, खूब गहरे पढ़ो, यानी गाथाएं चूसो, मतलब जिनको इससे लाभ हुआ है वे कहते हैं ये गाथाएं कोई सामान्य बातें नहीं है, तीर्थंकरों से चली हुई आती और ये आत्मा दिखाने में समर्थ। ऐसा 5-6 दिन का लाभ मिला गुरु जी का, और शिखर जी तो कम दिखता था, हम अपनी कमजोरी बता रहे, हमें पंडित जी मतलब ऐसे हम पूछ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ पंडित जी, जब जा रहे थे ना तो शिखर जी नहीं दिख रहा था पंडित जी, और जब रहे तो ऐसा लगता था आज ये बात है, ये बात है, ये मेरे लिए थी, ये दोष निकालने के, तो अगर पंडित जी दिखती और फिर आने लगे तो भी झूल रहती। इसका अर्थ है कि एक आराधक जी के पास रहोगे तो आपकी विशुद्धि बहुत बड़ी, इसलिए सत्संगति श्रीमद राजचंद जी ने, इसमें तुम 100 पेज पढ़ लो, अरे कई ग्रंथ पढ़ लो, वो मर्म ख्याल में नहीं आएगा जो समागम से मिनटों में जाए, इसलिए सत समागम करना चाहिए। खुश स्वाध्याय, पंडित जी साहब के पास कोई भी व्यक्ति जाता था और कोई गलती बताता, खुश स्वाध्याय, खूब स्वाध्याय करो, गहरा करो। गुरुदेव ने 100 बार तो इसे हरि भाई के साथ पढ़ा और 19 बार तो यहाँ पढ़ा हरि सभा, क्या लिखा होगा कि क्या नहीं लिखा, बात बात में अपनी भ्रांतियां टूटती है और आत्म बनाता है। सहजानंदी सुहृद सहज